हेलो गाइज, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। आज मैं बता रहा हूँ आपको स्लाइस और स्प्लाइस एरे मेथड जावास्क्रिप्ट में। गाइज मैं बता रहा आप लोगों एरे मेथड जावास्क्रिप्ट में मैं शॉर्ट, रिवर्स, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉन्कैट, ज्वाइन, ये मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब मैं बता रहा आप लोगों स्लाइस और स्प्लाइस। मैं बता रहा आप लोगों प्रैक्टिकल में। गाइज मैं बता रहा हूँ स्लाइस और स्प्लाइस जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल में एरे मेथड। या एचटीएमएल दे दिया यहाँ पे देता हूँ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कर दिया। इसके नीचे मैं टाइटल देता हूँ। टाइटल के नीचे मैं देता हूँ स्क्रिप्ट टैग दे दिया यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से नीचे कर दिया। गाइज मैं यहाँ पे देता हूँ वो है ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, यहाँ पे कुमार दिखा कि मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। अब से डबल कोट के अंदर मैंने नाम दे देता हूँ यहाँ पे मैं देता हूँ सेमी कलर। इस तरीके से मैं यहाँ पे तीन नेम दे दिया हूँ। लास्ट में यहाँ पे सेमी कलर कर देता हूँ। गाइज मैं यहाँ पे और नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अनिश कर दिया यहाँ पे सेमी कलर देता हूँ। कौशल लास्ट में यहाँ पे सेमी कलर दे दिया। अब मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद मैंने बड़ा के देकर यहाँ पे ए दे दिया, स्मॉल ए। उसके बाद इस पे देकर क्लोज कर दिया। फिर डबल को देकर यहाँ पे मैंने कर देता हूँ बी आर। यहाँ पे मैंने देते बी आर। लास्ट में सेमी कलर कर देता हूँ। गाइज मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस तरीके से दे दिया। यहाँ पे मैंने कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल से सेव कर दी इसको। अब मैं अपने ब्राउजर में ओपन करके देखता हूँ किस तरीके से मेरा ये प्रोग्राम रन कर रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ से डबल क्लिक हटा दिया। गाइज मैं यहाँ पे दे दिया, बी आर को भी मैंने हटा दिया यहाँ पे दे दिया। इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे सेव करके मैं यहाँ पे आया। जैसे मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पे नाम इस तरीके से मिला, टाइप नेम प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे बी आर कर दिया। फिर कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए सेव कर दिया। अब फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश, जैसे मैं रिफ्रेश करते देख सकते हो आप इस तरीके से शो रहा है। गैस मैं यहाँ पे इस तरीके से दे दिया। मैं इसको सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश की कर लिया तो आप देख सकते इस तरीके से मेरा यहाँ पे नेम प्रिंट हो रहा है। अब गाइज मैं यहाँ पे इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे लास्ट में देता हूँ एक नया वायर देता हूँ, वेरिएबल यहाँ पे देता हूँ वायर। बी नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इक्वल टू मैंने देखा ए डॉट स्लैश कर दिया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ वन, यहाँ पे वन कर दिया। लास्ट में मैं यहाँ पे सेमी कलर कर देता हूँ, सेमी कलर दे दिया। फिर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके नीचे मैं पेस्ट कर दिया। इसके नीचे मैं यहाँ पे दे दिया। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल से सेव कर लिया। आप देख सकते हो इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया।
अब मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया तो आप देखो इस तरीके से मेरा यहाँ पे भी नेम प्रिंट हो गया। अब मैं आया यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया 1, 2, 4 का दे दिया, 1 से लेकर मेरा 4 तक प्रिंट होगा। जैसे रिफ्रेश किया गाइस आप देख सकते हो इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया, इसको सेव कर लिया। सेव करके मैं यहाँ पे मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 मेरा अब देख सकते हो यहाँ से प्रिंट हो रहा है 2, 3, 4 मेरा यहाँ 1 से मेरा 4 तक प्रिंट हो रहा है आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ सेव कर लिया। मेरा देख सकते हो 0 से लेकर मेरा 1, 4 गाइस आप देख सकते हैं मेरा 1 से लेकर मेरा एंड तक इंड तक मेरा लास्ट तक मेरा वैल्यू प्रिंट हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है। गाइस मैं यहाँ पे 1 की जगह मैंने कर दिया 2, तो मेरा 2 से लेकर लास्ट तक मेरा वैल्यू जो होगा वो मेरा प्रिंट होगा वो शो हो सकता है शो होगा आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे सेव कर लिया। अब मैंने यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हो मेरा 2 से लेकर मेरा लास्ट तक मेरा वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब गाइज मैं यहाँ पे -2 कर देता हूँ, -2 कर दिया यहाँ पे। मैं इसको यहाँ सेव कर लिया। सेव करके मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करता आप देख सकते हो मेरा 2 वैल्यू प्रिंट हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से शो रहा है। गाइस इसका मतलब हुआ कि -2 मैंने यहाँ पे दे देते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा उल्टा प्रिंट हो रहा है। इसे आप देख सकते हो यहाँ से लास्ट वाले यहाँ पे प्रिंट हुआ है, उसके बाद मैंने पहले यहाँ पे प्रिंट हुआ है, मेरा उल्टा प्रिंट हो गया है, उल्टा प्रिंट हुआ है इस तरीके से। -2 मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने -2 दे दिया हूँ। अब मैं आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा उल्टा प्रिंट हो गया है, लास्ट वाले मेरा इस तरीके लास्ट से मेरा प्रिंट हो रहा है। गाइस मैं यहाँ पे देता हूँ -3। अब मैं इसको यहाँ सेव कर ली। अब मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया आप देख सकते हो इस तरीके से मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये 3 वैल्यू यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया। ये -3 दे देते हैं, ये सब -2, -3, -1 ये जो दोगे आप तो ये मेरा उल्टा प्रिंट होगा। ये देखो आप यहाँ से प्रिंट हुआ, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से हो गया। गाइस मैं यहाँ पे देखिए -3 यहाँ पर कुमार देखो -1 कर देता हूँ 1। अब मैं यहाँ पे दे दिया कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से सेव कर लिया। यहाँ पर मैंने जैसे रिप्लेस किया तो देख सकते हो आप यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब गाइस मैं यहाँ से देता हूँ एक लाइन में कर दिया यहाँ पे देख सकते हो। गाइस मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एस सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया तब देख सकते हो यहाँ से गायब होगा, एक ही लाइन में मेरा प्रिंट हो रहा है। गाइस मैं यहाँ पे इसके नीचे मैं यहाँ पे देता हूँ ए स्मॉल ए दे दिया हूँ, स्मॉल ए डॉट स्प्लाइस यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ 2, 0। गाइस 0 का मतलब हुआ कि यहाँ से किसी वैल्यू को डिलीट नहीं करना है। गाइस अब देख सकते हो इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया। सेव करके मैं यहाँ पे
गैस मैं यहाँ पे दिया, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे शो रहा है, आप देख सकते हो। गैस जब मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ से मैं एक नाम को मैंने हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया मैं। अब गैस में यहाँ, गैस में यहाँ पे देता हूँ कुमा देती, उसके बाद मैं यहाँ पे डबल को देकर यहाँ पे देता हूँ सीटा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुमा देती, उसके बाद मैंने यहाँ देता हूँ कोसर, लास्ट में यहाँ पे जबलपुर के अंदर नाम को देना है। अब मैं लास्ट में यहाँ पे सेमीकलन कर देता हूँ, सेमीकलन कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे नीचे मैं यहाँ पे इंटर कर यहाँ पे दे दिया। गाइस जब देख सकते इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया हूँ ए डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पे दे दिया 2.0, यहाँ पर सीता कौशल यहाँ पर देते हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉटर में ए देते हो प्लस, और डबल कोट के अंदर मैंने बी आर कर दिया हूँ, लास्ट में मैंने यहाँ पर सेमी कलर कर दिया, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को मैंने क्लोज कर दिया हूँ, हेड को यहाँ पर बॉडी दिया, यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, यहाँ पर एस्टिमेट को क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ से सेव कर लिया, सेव करके मैं यहाँ पर मैंने जैसे रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा इस तरीके से प्रिंट हो गया। गाइस देख सकते हो ये मेरा बीच में इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो गया है दो नाम, ये मेरा ये वाले नाम, ये वाले आगे से दो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, प्रिंट हुआ है, ये मेरा लास्ट की दो दो वैल्यू यहाँ पे लास्ट में प्रिंट हो गया है, और यहाँ पे बीच में न्यू वैल्यू ऐड हो गया, आप देख सकते हो। गाइस जब देख सकते हो यहाँ से मैं यहाँ पे दे दिया ए डॉट स्लाइस, यहाँ पे 2.0 दिया हूँ, तो यहाँ से मैं एक वन वैल्यू को मैंने एक वैल्यू को मैंने यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, मेरा मैं यहाँ पे वन कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 4 2 2 4 2 6 6 वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया, अब मैं यहाँ पे वन कर दिया, अब देख सकते हो इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया। गाइस जब देख सकते हो यहाँ से मैं इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, यहाँ पे मैंने ओवन कर दिया, अब मैं यहाँ से कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया तो देख सकते हो यहाँ से एक वैल्यू मेरा एक नेम यहाँ से मेरा डिलीट हो गया, जैसे यहाँ पे मेरा विवेक प्रिंट हुआ था तो मेरा यहाँ से विवेक मेरा डिलीट हो गया, आप देख सकते हैं। गाइस मेरा एक वैल्यू यहाँ से डिलीट हो गया, अब जितने मर्जी उतने वैल्यू आपको आप डिलीट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अब गाइस मैं यहाँ पे दे दिया हूँ 2.1, तो मैंने 2 यहाँ पे कर दिया, अब मैं इसको सेव कर दिया, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से मैं सेव कर लिया, और सेव करके मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया था यहाँ पे देख सकते हो दो वैल्यू मेरा यहाँ से डिलीट हो गया। आप जितना मर्जी उतना आप वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया हूँ आप, अब मैं यहाँ पर मैंने कर देता हूँ 2 के आगे मैंने माइनस लगा देता हूँ, माइनस कोमा यहाँ पर मैंने कर दिया 1, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया। गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया हूँ, यहाँ पे इस तरीके से नेम दे दिया हूँ, अब मैं यहाँ पे अब इसको सेव कर लिया, सेव कर अब सेव कर लिया, सेव करके मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया आप देख सकते हो यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, आप इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो गया आप देख सकते हो। अब गाइस मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ से नेम को मैंने हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, अब माइनस भी मैंने 2 के आगे से मैंने हटा दिया, 2.2 कर दिया, अब देख सकते इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया। गाइस जब देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे दे दिया, अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सेव कर लिया।
अब मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते इस तरीके से मेरा प्रिंट हो रहा है। आई होप सो मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्लाइस और स्प्लाइस किस तरीके से काम करता है। मेरा वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।